पूर्वोत्तर में आयुष औषधियों की संभावनाओं को भुनाने के उद्देश्य से गुवाहाटी में आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। खानापाड़ा स्थित स्टाफ कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनवाल, राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापाड़ा महेंद्र भाई कालूभाई सहित पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। पूर्वोत्तर के लिए अहम बात यह है कि मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने आज क्षेत्र में 100 आयुष केंद्र और 1000 स्वास्थ्य केंद्रों के स्थापन की भी घोषणा की। मौके पर मंत्री सोनवाल ने बताया कि दूधने में जल्द ही एक नए आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र की ओर से 70 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। साथ ही गुवाहाटी आयुर्वेदिक कॉलेज को विशेषता देने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष औषधीय पौधे लगाने की बात कही। मंत्री सोनवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में औषधीय पौधों की शोध और पढ़ाई के लिए भी विशेष कदम उठाने की बात है। उन्होंने कहा कि देश भर में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। लोगों ने ये निर्णय लिया है कि नेशनल आयुष मिशन के द्वारा अगले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में 100 आयुष डिस्पेंसरी खड़ा किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1000 खड़ा करने का भी निर्णय किया है। असम में ग्वालपाड़ा जिले में नॉर्थ ईस्ट की बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज प्रतिष्ठा किया जाएगा। 70 करोड़ लागत से इस महाविद्यालय को खड़ा किया जाएगा। नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड के द्वारा सारे नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिनल प्लांटेशन को आगे बढ़ाने का कदम उठाया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट की सबसे पुरानी जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, इस कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से हमने खड़ा करने का निर्णय किया। इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से अगले दिनों में हमारे नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए मेडिसिनल प्लान को कमर्शियली कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं और उनके रॉ मटेरियल्स को अगले दिनों में कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सही इस्तेमाल कर सकता है, इसका भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। और इन सब के अलावा उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च करने की बात कही। साथ ही कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को 5 मिनट का योग ब्रेक दिया जाएगा। मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक एप्लीकेशन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसकी रचना हमारे मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने की है और इसके द्वारा हम चाहते हैं कि अलग अलग विभाग के दफ्तर में और हमारे खेल जगत में और अलग अलग कर्म क्षेत्र में जो लोग सुबह शाम मेहनत करते आए हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा एक व्यवस्था होंगे। वाई ब्रेक एप्लीकेशन का मतलब है 5 मिनट का वो एक ब्रेक लेंगे, जिस ब्रेक के समय पर वो हमारे जो प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से आसना होंगे, प्राणायाम होंगे और ध्यान होंगे। और वहीं इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी उपस्थित रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में औषधियों की अपार संभावना है, खासकर यहां के वनांचलों का जिक्र कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया। Recently we have been given 2 hospital on Ayush, in one in Majuli and one is Dudhnoi, Gwalpara. We have completed the construction of Dudhnoi hospital. We will complete the construction of Majuli also in next 3 to 6 months. I have already directed my health department to start the hospital. Probably when next time our Indian minister is coming back to Assam, we will get the hospital inaugurated through him. My only one request to Sri Sonowal ji, we have one Ayurvedic college. The college is doing great, but now time has come to have another Ayurvedic college. We have already earmarked land in Dudhnoi, Gwalpara for the second Ayurvedic college. And I'll be very happy that if in line with National Ayurvedic Mission, if Honorable Minister grant one more college to Assam, and I just want to give commitment that in record time we'll finish the construction and we'll give all the manpower required for establishment of the college.